अच्छा जी, चलो जी। तो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग कंसेप्ट की। हमने कहा था कि देखो, कोई भी बिजनेस होता है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, डिपेंड कर रहा होता है उस बिजनेस की मार्केटिंग के ऊपर। जैसे हमें पता है सीए के अंदर कितने मैसेज आते हैं कॉलेजेस के, आपको कौन भेजता है, आपको कौन भेजता है, अगर मुझे ये बताओ, मुझे कॉलेज बताओ, मैं उसे तो बात करूंगा जो आपको मैसेज भेज। बिल्कुल ऐसा होता है बच्चा। बिजनेस का मार्केटिंग जो है वो बहुत ही मेन एस्पेक्ट है, कहीं पे भी जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब मार्केटिंग से मुराद हरगिज ये नहीं होता बच्चे कि आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। मार्केटिंग का मकसद क्या है कि भाई जस्ट मशहूरी, मशहूरी का कंसेप्ट हमारे जहन में क्या है कि हमने क्या चीज, देखो असल चीज तो है ना मार्केटिंग करना। अब मार्केट करना क्या है, ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हम मार्केट कर क्या रहे हैं। अगर हम प्रॉपर चीज मार्केट ही नहीं कर रहे, या हम प्रॉपर जगह पे ही मार्केटिंग नहीं कर रहे, मार्केटिंग हमें कई फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं जब भी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिजनेस को हम मार्केट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पे जरा बिजनेस को ओपन करें एंड कहें कि भाई ठीक है हमने ओपन करके बैठे हैं, आ जाओ ले लो। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने बिजनेस ओपन किया, आपने अपना पोस्टर लगाया, ऑडियो बफरिंग मचा, हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, परेशान ना हो। नहीं तो इसका रिकॉर्डिंग तो मौजूद ही होगी, अगर कोई पॉइंट स्किप हो भी जाता है ना तो आप वो देख लीजिएगा इंशाल्लाह, बाकी हो जाती है, नेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ओके, अब अच्छा क्या होता है बेटा कि इन केस के अगर आपने बिजनेस ओपन किया, आपने बाहर पोस्टर लगाया, आपने अपने प्रोडक्ट रख दी, फिर भी कस्टमर नहीं आएगा। बेसिकली मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ये है कि आपने शुरू से लेके कस्टमर को मैच्योर करने तक पूरी चीजें परफॉर्म करनी होती है। अब सिंपल, आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते, आपको कई चीजें देखनी होती है। नंबर वन, आप क्या मार्केट कर रहे हो, आप कौन सी जगह पे मार्केट कर रहे हो। आप गोलगप्पे की रेडी ओपन करो और उसका इश्तिहार मोटरवे पे लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा उससे, कोई फायदा होगा। आपने यहाँ पे गोलगप्पे की एक रेडी नवी नवी खोली है एंड इश्तिहार जो है जाके मोटर पे टूल प्लाजे के ऊपर अपना लगवा दिया कि जनाब जी हमारी गोलगप्पे, कोई उसका फर्क है नहीं, क्यों, वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। आप कहाँ पे लगवाओगे, जगह कहाँ पे होगे, वहां पे अड्डों के ऊपर, कॉलेजेस के सामने, जहां पे बेसिकली खाने वाली है वहां पे, जहां पे बच्चे होते हैं जिन्होंने खाना है। तो लिहाजा ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी मैटर करती है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस जगह पे करनी है वो भी मैटर करती है। तो काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, यहां तक कि प्राइस भी मार्केटिंग का हिस्सा है। हम कॉलेजेस की जब फीस होती है, लिखा होता है जी 4,000 में सारे सब्जेक्ट भी, सीए भी, सीएसएस भी, सारा कुछ कर जाओ, तो मतलब बस नहीं चलता। जब बैच शुरू हो रहा होता है 50,000 60,000 से शुरू होती है फीसें, एंड जब बैच का दरमियान होता है तरलो तक आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि डिफरेंट किस्म के मार्केटिंग के कंसेप्ट है बेसिकली, कि भाई आपने प्राइस को भी साथ साथ करना होता है, आपने प्रोडक्ट को भी करना होता है, आपने प्लेस को भी, किस जगह पे आपने मार्केटिंग करनी है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कहीं पे मार्केटिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। मार्केटिंग है क्या बेसिकली, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, ये कोई एक सिंगल कंसेप्ट नहीं है, कि कोई सिंगल कंसेप्ट नहीं है। आप एक काम करें कि भाई ये चीज जो है मार्केटिंग कहलाती है, मैंने जनाब जी फेसबुक के ऊपर इश्तिहार चला दिया, मार्केटिंग हो गई, नहीं, उसका रिजल्ट कोई भी नहीं आएगा, इश्तिहार चल जाएगा। कब, देखो अब आपको पता है फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको कहते हैं, ये अच्छी खासी हाईली पेड जॉब है। लोग पैसे देते हैं कि भैया हमारी फेसबुक पे पर एड रन कर दो, हम खुद भी तो कर सकते हो, आप जाओ अपना ग्रुप खोलो, बल्कि वहां पे गूगल के अक्सर सजेशन भी फेसबुक की आई होती है कि एड चलाओ, आप खुद क्यों नहीं चला सकते, आप खुद वहां पे जाओ अपनी एड लगाओ, उसको बूस्ट कर दो, पैसे ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट, खत्म हो गया मामला। नहीं, इसके लिए स्पेशलिस्ट बंदा है। क्यों, उस जिस जो मार्केटिंग का बंदा है उसे पता है कि भाई टारगेट ऑडियंस मैंने क्या सिलेक्ट करनी है, मेरी एड किन लोगों को दिखनी चाहिए, मेरी टारगेट ऑडियंस है क्या, मेरा वो एज ग्रुप मैंने देखना है कि किस एज ग्रुप को मेरी एड शो हो, किस जेंडर को मेरी एड शो हो, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह किस इलाके के अंदर मेरी एड शो हो। अब इसका पूरा एक कंसेप्ट होता है। अब ऐसे हो, देखो मैं कहता हूँ जी फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग हो रही होती है, आप डेली देखते हो आपको कोई ना कोई सीए की पोस्ट नजर आती है, एंड बाजू का ऐसे कॉलेजेस की पोस्ट भी नजर आती है जिनको आपने लाइक या फॉलो नहीं किया होता, उनकी पोस्ट नजर आती है और ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। वो बेसिकली उस कॉलेज वाले को कैसे पता कि भाई आप सीए के बंदे हो, आपको ये पोस्ट जाननी चाहिए। आपके ख्याल में क्या उसको रातों रात बैठे बैठे उसने क्या क्या पोस्ट लगाई और फेसबुक खुद ही उठा के सीए की तरफ भेज दिया, नहीं,
भाई ये पूरी एक स्ट्रेटजी होती है, इसको कहते हैं फनलिंग करना, फनल करते बनाते होते हैं, ये पूरा मार्केटिंग का एक काम होता है। इसमें मैं अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया मार्केटिंग से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि देखो यार मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सीए के लोगों के पास मेरी ऐड जाए। मैंने कहता है क्या मतलब, आप चाहते हैं किसी ग्रुप वालों का ऐड जाए, आपका ग्रुप बना हुआ है? मैंने कहा हाँ है तो सही, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, 1500-100 फॉलोअर वगैरह होंगे उसमें, तो इतनी खास नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जितने भी सीए के ग्रुप है ना उसको जाने चाहिए। कहते यार ये इस तरह नहीं होता, इस तरह काम नहीं करता होता कि भाई आप ऐड डालो और कहो कि जी खुल जा सिम सिम और हो जाए वो सिर्फ सीए स्टूडेंट। कहते नहीं, इसमें हमें टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस इकट्ठी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई इसको क्या तरीका? कहते हैं इसके यहाँ दो तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम एक जनरल एड चलाते हैं, हमें जनरल एड चलाते हैं जिसमें हम चेक करते हैं, जेंडर स्पेसिफाई कर देते हैं, एज ग्रुप यू हमारा डिफाइन होता है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया रख के हम एक जनरल एड चला देते हैं। जब वो एड चलती है तो काफी लंबी एक हमारे पास ऑडियंस आती है, फिर हम इस ऑडियंस को फिल्टर करते हैं। हम इस ऑडियंस को फिल्टर करते हैं किस बेस के ऊपर कि भाई इनमें से किस बंदे ने हमारी एड पे क्लिक किया वो अलहदा कर लेते हैं, जिस लोगों ने हमारी ऐड को कितने मिनट तक देखा हम उनको रिफाइन कर देते हैं। रिफाइन करने के बाद फिर हमारे पास एक छोटी ऑडियंस आ जाती है, फेसबुक ऑडियंस आपको देती है, जब आप ऐड चलाते हो वो आपको ऑडियंस दे देती है कि जी ये लोग जो हैं इन्होंने आप तक रीच किया है, पहुंचे हैं या इन्होंने क्लिक किया। फिर क्या कहते हैं कि हम एक और रन ऐड करते हैं, वो थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है इससे, और ये वो जाती है सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो इस एड में से हमने हाईलाइट किए होते हैं कि ये लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कहते फिर हमारे पास थोड़ी सी उसे छोटी ऑडियंस आती है, हम मजीद इसमें से फिर रिफाइन करते हैं कि भाई इनमें से कौन से लोग हैं जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, मतलब जो काफी टाइम तक हमारी पोस्ट के ऊपर रहे, या जिन्होंने हमारी वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा देखा, या जिन्होंने कोई इंप्रेशन दिया। कहते फिर हम थर्ड एड चलाते हैं और उसके बाद फिर उससे भी छोटी ऑडियंस मजीद रिफाइन होकर हमारे पास आ जाती है। एट द एंड कहते हैं 5वीं 6ठी ऑडियंस पे जाके हमारे पास कोल्ड ऑडियंस आती है, इसको कहते हैं फनलिंग। ये देखें ये फनल की शेप है, इसको कीव कहते हैं फनल, ये वो शेप है, इसको फनलिंग कहा जाता है। तो कहते हैं कि ये पूरी स्ट्रेटजी होती है जिसके जरिए हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हम टारगेट ऑडियंस को ढूंढ रहे होते हैं। तो ये कोई एक काम नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज है? नंबर वन तो भैया एड कैसी होनी चाहिए, किस चीज की एड होनी चाहिए, फिर कहां पे होनी चाहिए, किन लोगों को होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, जब भी आपने मार्केटिंग करनी होगी इन बातों का आपने ख्याल रखना होगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं। वो कहते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू एक्सपीडाइट ट्रांजेक्शन बाय, एक मिनट दीजिए, बाय क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइसिंग एंड प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज। तो भाई प्रोडक्ट क्या हो सकती है? गुड्स भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकता है। दुनिया के अंदर मौजूद जितनी प्रोडक्ट है वो तीन चीजों के अंदर फॉल करती है, या तो कोई गुड होगी जिसको टेंजिबल चीज कहा जाता है, या तो कोई सर्विस होगी इंटेंजिबल, या कोई आइडिया होगा, आइडिया भी इंटेंजिबल होता है। आइडिया से क्या मुराद है कि भैया लोग कंसल्टेशन के पैसे लेते हैं, कंसल्टेशन के। आप आगे चल के कंपनी एक्ट में पढ़ेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंसेप्ट, स्टेक होल्डर का कंसेप्ट। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो बेसिकली किस चीज की फीस चार्ज कर रहे होते हैं, वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, वो उनके फुल टाइम वर्कर नहीं होते, वो जस्ट अपना आइडिया, अपनी गुडविल या अपने पास उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं और उसकी फीस लेते हैं। तो आइडिया भी एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है? ओके, मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हो गया। स्पेसिफिकली द मार्केटिंग कंसेप्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, फोकस ऑन द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। के मार्केटिंग जब भी आपने करनी है सबसे पहले आपने ये देखना है, देखो मार्केटिंग का पर्पस क्या होता है, आप मार्केटिंग करने जा रहे हो मेन पर्पस आपका क्या है, कस्टमर आपके पास है। क्या कस्टमर सिर्फ ये सुन के आ जाएगा कि भाई वीर पे गिलास वीर पे गिलास वीर पे गिलास? नहीं, मतलब जो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आएगा। देखो आप दुकान खोल के भी बैठोगे ना आपके पास कस्टमर आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपके पास आ जाएगा, शाबाश पैसा अर्न करना, कुछ ना कुछ आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपने पैसा लगाया मार्केटिंग पे एंड उसके बावजूद भी वो ही आ रहा हो तो फिर मार्केटिंग का फायदा? अब गर्मियों में हम कहीं गुजरे हैं, अड्डों पे गुजरते हैं जाते हैं, वो स्पीकर लगे होते हैं, खासतौर पे जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको आइडिया होगा वो स्पीकर क्या लगा है। सिंपल अगर लगा, देखो 3-4 रेडी वाले होते हैं, मतलब
और स्पीकर चल रहे होते हैं और अजीब किस्म सी एड हमारे दिमाग में पहुंच रही होती है, 5-7 वॉइसेस इकट्ठे हो गए। अब एक बंदा ने सिंपल लगाया होता है जी 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास, 20 रुपए गिलास, जो भी लगाया, लेकिन एक ने लगाया होता है ठंडा ठार और पता नहीं क्या और क्या, गर्मियों का खालिस तोहफा। और बंदे का दिल करता है यार मैं मतलब इसके बगैर तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं है भाई, मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, लाइफ ही मेरी सारी यही है। तो लिहाजा बंद आपको लगता है कि भाई जनाब नहीं ये मुझे शरबत पीना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ वापस जमजम है, ठीक हो गया। तो लिहाजा क्या हुआ, ये बेसिकली एक मार्केट है। अब वो दोनों में फर्क क्या है, हालांकि दोनों जूस बेच रहे हैं आवाम के कानों तक तो दोनों चीजें जा रही हैं, लेकिन नहीं दूसरा बंदा जो मार्केटिंग कर रहा है वो बेसिकली आपकी उस वक्त की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है। हमारे इलाके से कभी कुल्फी वाला गुजरता है, कभी आइसक्रीम वाला गुजर रहा होता है, एंड वो उन्होंने जो वो आवाज लगाई होती है वो बहुत स्लो 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 चल रहे होते हैं। क्यों बहुत स्लो होते हैं, मतलब हर घर के ऊपर 2 मिनट रुकते हैं फिर निकल जाते हैं, वजह एग्जैक्टली क्यों भाई, बड़ों ने अगर खाना है, बड़ों ने तो खाने नहीं होती, उन्होंने खाना तो भाई उन्होंने किसी पैसे थोड़ी लेने, जाना फौरन आराम आराम से चलता भी जाएगा उसे रोक लेंगे और खा लेंगे ले लेंगे। वो बच्चों के लिए होता है कि वहां पे खड़े हों, बच्चा घर वालों को जलील करना शुरू करे, सारी बात उसने एक आधा मिनट रोना पीटना होता है, टांगे मारनी होती है, एंड देन उसको पैसे मिलते हैं, वो फिर जाता है और उसको फिर आइसक्रीम मिलती है, एंड तब तक माँ बाप को गुस्सा ही जा रहा होता है, ये ना मुराद आज सारी यहीं बेच के जाएगा क्या, आगे निकल जाए तू यहां से, बच्चों को तंग कर रहा है। वो वहां पे आगे लाजमी रुकता है एंड उसको पता होता है रेड़ी वाले को कि किस घर में बच्चे हैं और वो वहीं पे रुकता होता है। घर में पूरा एक धमाल पड़ जाता है, बच्चा जनाब आइसक्रीम तो खा लेता है, मुंह सूज जाता है, लितर पोला हो जाता है उसका। खैर तो ये क्या है बेसिकली, मार्केटिंग ही तो है भाई। बच्चे को चंगी भली वार लग गई, माँ बाप के पैसे निकल गए, आपकी तो कुल्फी बिक गई ना। तो लिहाजा क्या हुआ बेटा कि सबसे पहले मार्केटिंग करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग रखनी होती है, कि कस्टमर को कहो कि यार ये काम कर ही हम आपके लिए हैं, और हम तो पैदाइशी लॉर्ड थे, जगीरदार थे, हमने वहां पैसा था, हमें क्या जरूरत थी, हम तो 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए थे, हम तो हीरो थे, करोड़ों कमा के मैं कुछ भी कर सकता था, मुझे क्या जरूरत थी सियासतदानों में आने की। भाई ये मार्केटिंग है और क्या, ये भी मार्केटिंग है, चाहे उसका पर्पस कुछ भी हो। क्या मतलब एनजीओ मार्केटिंग नहीं करती होती, करती होती है, बहुत सा प्रॉफिट कमा रही होती है। तो लिहाजा हर कोई प्रोग्रेस लाइफ में चाहता है, ओके। तो कस्टमर ओरिएंटेड आपने रखना है। दूसरे नंबर पे इंटीग्रेटिंग ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, के हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलकर चल रहा हो। क्या आप कहें कि जी मैंने रेस्टोरेंट में सबसे बेहतरीन सर्विस देनी है, बड़ा पोलाइट सा स्टाफ देना है, सारा कुछ है, और जो आपका एक वेटर हो वो जनाब जी रोटियां उठा उठा के फेंक रहे हो, टफ ले तो इनू मम्मा खाई जाना है, दूसरी रोटी पे गई यार तू बस कर दे, माँ प्यो का पैसा रहा, और इस तरह की बात करें आप दोबारा जाओगे नहीं। क्यों, अब नुकसान ओनर का हुआ, वजह सिर्फ एक वेटर जो है उसने गलती की, अब एक वेटर की गलती का नुकसान किसको, ओनर को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो लिहाजा तमाम कंपोनेंट अलाइन होने चाहिए। अब किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाओगे तमाम कंपोनेंट अलाइन होते हैं। अब हमारे यहाँ एक नया पेट्रोल पंप खुला है, उससे पहले ये टोटल वालों का होता था, तो वो जिस दिन हम वहां से पेट्रोल डलवाते थे शाम को मोटरसाइकिल जो है वो वापस मैकेनिक के पास पहुंच जाती थी, और नीचे से टूटे खोलते थे तो आधा लीटर पेट्रोल निकलता, 1.5 लीटर पानी निकलता था उसमें से। खैर उसकी जगह पे एक और पेट्रोल पंप बन गया गो वालों का, वो उससे भी ज्यादा 2 नंबर ही निकले, वो पेट्रोल में पता नहीं पानी डालते नहीं डालते थे, वो पेट्रोल ही नहीं डालते थे, तो हाँ वो फिर फ्राइडियां शुरू हुई। अब एक नया पंप खुला, अब 2 पंप है, इधर गो है उधर टोटल है शेल है, और वो बहुत बड़ा पंप है, बहुत बड़ा पंप। इन दोनों के दरमियान एक वो एक नया पंप है, कोई ई जो इनका साइन है, ब्लू कलर मार्किंग है, ई है, पता नहीं उसको कहते क्या है, नहीं नहीं यूरो मेरे ख्याल में वही है, उन्होंने अपना पंप खोला है। अब मैं कल बिलीव मी मैं यहां से गया, बाइक के ऊपर था, कजन मेरा बाइक लेके गया, घर खड़ी की, हम गए, मुझे दोपहर को भूख लगी, मैं उठा, मैंने किक मारी बाइक में, पेट्रोल नहीं है, नीचे से चौक पर, यार भाई कम से कम पेट्रोल तो डलवा ले, अगर तुझे पता है खत्म हो गया तो यहाँ तक लेके आ रहा है, पंप कहाँ से। खैर मेरा एक और दोस्त आया, उसकी बाइक से थोड़ा सा निकाला मैंने, हमने पेट्रोल शेयर किया, भाई गरीब बंदे हैं यार, हम भी आप ही की तरह आए, ठीक है ना। तो बेशक आप चार्टर अकाउंटेंट क्वालिफाई कर देना, हालात ऐसे बने हमारे साथ रहते हैं क्वालिफाई, सेम एक लेवल के हम सारे। अच्छा खैर अब मैं क्या हुआ, मैंने वहां से निकला जनाब जी, मैंने कहा मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं पहले गो पे गया, वहां पे मैंने 2 मिनट तक वेट किया, मेरी बारी आने वाली थी, फिर मुझे याद आया नहीं यार वो मैंने ई वाले से डलवाना है ना, मैंने शेल पे जाना, इस पे जाना। वहां पे क्यों, वहां आप जाओगे सबसे पहले इतना पोलाइट स्टाफ उनका,
हालांकि वो भी सारे बेचारे धूप में खड़े पेट्रोल डाल रहे होते हैं, इधर वाले ऐसे बंदे खाते हैं। वो जनाब इंतहाई पोलाइट पोलाइट स्टाफ, वो खुद आपको स्टाफ बताता है सर इधर तीन है आप इधर आ जाए या इधर आ जाए। बंदा भाग के आता है कि भाई आप उस 5-7 उनके वो लगे हुए हैं जो मशीनें होती है वहां पे, वो खुद करते हैं। अब एक बाबा आया हुआ था, वो दूध उसने पीछे वो लगाया हुआ था, उसने बाइक बंद कर दी। अब वो आगे 3-4 बाइक है तो वो बेचारा घसीट रहा था, तो पीछे से एक आया बंदा उसको पंप वालों को तो उसने धक्का लगाया, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से पेट्रोल डाला, मुझे बकाया दिया, उसके बाद थैंक यू बोला एंड अल्लाह हाफिज तक किया। और यहां तक कि मैं पंप से निकल रहा था, गार्ड खड़ा था, उसने सलूट भी किया। मैंने कहा भाई बस कर दे यार, कितनी बार जीतोगे मतलब। तो मेरी अब कोशिश होती है कि मैं मरता मर जाऊं बाइक को पैदल लेके जाऊं पेट्रोल, हालांकि हो सकता है वो पेट्रोल में आधा पेट्रोल भी ना दे रहे हो, सारा पानी दे रहे हो, हाँ दुआओं के ऊपर ही मोटरसाइकिल चल रही हो, लेकिन क्या है भाई मार्केटिंग है ना यार, ये भी तो एक तरीका है। वहां पे जाते हैं गाड़ी लेके जाओगे बड़े लश पश साफ सुथरा कर देंगे, कोई टिप शिप नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, बल्कि दुआएं भी देते हैं, जा मौला सलामत रखे, मौला खुशी रखे, है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आज के दौर में। तो लिहाजा तमाम ऑर्गेनाइजेशन के, अब देखो वो मालिक को ही फायदा है सारा, तो पंप का वो जो कल मैंने जाके पूरे 60 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 60 रुपए मैंने उसे कहा यार 60 में टैंकी फुल कर दे, कहता है नहीं होती। मैं यार ये क्यों, मैं कह रहा हूँ कर दे तो कहता है नहीं होती, कहता नहीं भाई ये 1000 में होगी, मैंने मुझे 60 वाली कर देना, कहता नहीं होती यार। मैंने कहा अच्छा भाई नहीं होती होगी। खैर क्या हुआ कि मैंने उसको जाके 60 का एक पूरा बिजनेस दिया, क्यों, अब वो पैसा उस वेटर को तो नहीं गया, वो जो सॉरी वेटर कह रहा हूँ वहां पे जो वर्कर खड़ा है या जो भी बंदा खड़ा है, पैसा तो मालिक को गया, फायदा तो मालिक को हुआ। क्यों, क्योंकि सारे अलाइंड थे आपस में, हर काम उनका अलाइन था, हर बंदा उनका रेफरेंस पे काम कर रहा था, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, किसी को देख के नहीं लग रहा था यार ये खपा हुआ है। वो इधर जाओ ऐसे लगता है भाई जिस तरह सरकारी दफ्तर में आ गए हो, एहसान कर रहे होते हैं, और उनकी शक्ल ही देख के लगता है कि यार बंदा जिस तरह ना भिखारी कुछ तरला करने गए। खैर तमाम चीजें अलाइन होनी चाहिए, इस तरह लॉन्ग टर्म गोल जो है वो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करके आप अचीव कर सकते हो। तो ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है। सेल और मार्केटिंग में क्या फर्क है, सेल बेटा स्टार्ट होती है मार्केटिंग के बाद, कस्टमर को शुरू से लेके सेल तक लेके आना मार्केटिंग कहलाता है, लेकिन सेल होने के बाद भी मार्केटिंग जारी रहती है। सेल क्या है, जस्ट कन्वर्टिंग द कस्टमर, प्रपोज्ड कस्टमर इनटू एन एक्चुअल कस्टमर, कि आपका वो कस्टमर जो अभी आपका कस्टमर बनना है उसको आपने एक्चुअल सेल कर दी, वो सेल है, लेकिन पीछे आगे सारा प्रोसेस आफ्टर सेल क्या मार्केटिंग होती है, कोई एग्जांपल दो मुझे, कौन सी आफ्टर सेल, आफ्टर सेल हाँ नहीं वो आफ्टर सेल नहीं है, वो तो बिफोर सेल होती है बेटा। एसी लगवाते हो इंस्टॉलेशन नहीं करके दे जाते, वो मैंने अभी पेट्रोल डलवाया उसने सलूट नहीं मारा मुझे, तो ये भी तो मार्केटिंग है। आप जब किसी गाड़ी में मोबाइल चेंज कराओ वो अपना टैग लगा देते हैं बीच में, बेसिकली वो टैग होता है लेकिन उसके ऊपर डेट लिखी होती है, भाई माइल्स लिखे होते हैं इतने माइल पे आप चेंज करा रहे हो, एग्जैक्टली आफ्टर सेल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग उसके बाद भी चलती है। तो सेल क्या है, एक्चुअली सेलिंग, एंड मार्केटिंग क्या है, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट टू सर्विस द कस्टमर। ठीक हो गया, तो ये सेल और मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या है, पहली मार्केटिंग की एक्टिविटी क्या होती है, बाइंग, बाइंग से मुराद खरीदना, खरीदना इटसेल्फ एक मार्केटिंग है, कि आप चीज कहां से खरीद रहे हो और खरीद के ला कैसे रहे हो। आप जाहिर सी बात है ब्रांड से आप चीजें खरीदते हो, आप अपना सप्लायर वगैरह बड़े लोग उससे लिखते हैं, क्या कहते हैं फखर से लिखते हैं इस चीज को कि भाई हमारा सप्लायर ये है, हम प्रोडक्ट वहां से ले रहे हैं, बाइंग और फिर हम देखते हैं कि चीजें सुबह सुबह आ रही होती हैं, अगले लेके गौर में की सप्लाई डिलीवरी फिर रही होती है, उसके ऊपर सारा पीला पीला गौर में पेंट हुआ होता है, क्यों भाई, क्या वो सेल चीज सेल कर रहे होते हैं, क्या आप उस ड्राइवर को कहें यार रुक रुक यार ब्रेड काट दे, तो अगला नीचे देके निकल जाएगा ये पैसे खींचने आगे, सेल नहीं कर रहे वो तो क्या कर रहे हैं, वो बाइंग हो रही है, वो बेसिकली प्रोक्योरमेंट हो रही है, वो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन मार्केटिंग हो रही है। और इस तरह सेलिंग जो है वो क्या है, वो भी मार्केटिंग है, क्या आप चीजें सेल कैसे करते हो, आपका स्टाफ कैसे है, वहां पे भी मार्केटिंग हो रही होती है। ब्रांडिंग, क्या आप अपने काम की मशहूरी कैसे करते हो, ब्रांडिंग का मतलब होता है मशहूरी करना, अपनी अपने काम की मशहूरी करना, कि जो आप कर रहे हो उसकी एडवर्टाइजमेंट करो मार्केट के अंदर, मार्केट को पता चलना चाहिए कि आप काम कैसे करते हो। जिस तरह हर बार रिजल्ट आता है कॉलेज लेके, 90% रिजल्ट, 95% रिजल्ट, यार हर कॉलेज का रिजल्ट 95% है, भैंस के अंदर आई कैप का 30% से ऊपर क्यों नहीं जाता,
ठीक है, तो ये मार्केटिंग है बेसिकली सारी, ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहा जाता है। इस तरह ट्रांसपोर्टिंग भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। आप देखते हैं बड़े बड़े कंटेनर गाड़ियों के ऊपर जा रहे होते हैं, ट्रेन के ऊपर जा रहे होते हैं, बाहर NLC लिखा होता है, TSA लिखा होता है, जितनी जो भी शिपिंग एजेंसी होती है उसका बड़ा सारा नाम होता है, वजह मार्केटिंग हो रही होती है, ठीक हो गया। एंड इस तरह ग्रेडिंग, स्टोरिंग, स्टोरिंग से क्या मुराद, कि आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर कैसे करते हो, आपके वेयर हाउसेस कैसे हैं, कितने क्लीन है, साफ है। आपको ओपन किचन का कंसेप्ट पता है, बाज रेस्टोरेंट ओपन किचन ऑफर करते हैं कि आप आए, आप विजिट करें, किचन के अंदर देख सकते हैं आप, उनके स्टोरेज रूम देख सकते होते हैं, लाइव कुकिंग हो रही होती है, कि हमने खाना फिर भी नहीं होता, सारी बात है, ऐसे रेस्टोरेंट हमारे औकात में कहाँ है भाई। हाँ हाँ कराते हैं, विजिट करवाते हैं, मैकडोनल्ड भी करवाता है, आप जाके विजिट कर सकते हो, या सिर्फ रोस्ट वाले भी करवाते हैं, फिर खाना नहीं खाते आप, बस इस वजह से नहीं कराते, ठीक हो गया। तो लिहाजा स्टोरिंग भी मार्केटिंग है। ग्रेडिंग से क्या मुराद है, कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की डिफाइन करना, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड बना लेना उनके, मुख्तलिफ किस्म की चीजों का, उसको ग्रेडिंग कहा जाता है। फाइनेंसिंग, क्या आप पैसा कहां से ले रहे हो, कहां से लगा रहे हो, आपके इन्वेस्टर कौन है, बड़े बड़े अमीर लोग। अब आप लिखे दिए मियां मंशा हमारा इन्वेस्टर है, तो हर बंदा बाकी आएगा कि यार वाकई कोई चीज है, हर बंदा आप पे ट्रस्ट शो करेगा कि यार ये लंबी चलने वाली कंपनी, इसके अंदर मंशा जो है वो इन्वेस्टर है। फाइनेंस जो है, पैसा आप यहाँ से लगा रहे हैं, वो भी एक किस्म की मार्केटिंग है। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट के ऊपर मुसलसल रिसर्च करते रहे कि आपकी प्रोडक्ट कौन लोग देख रहे हैं, किस तरह पसंद की जा रही है, इसके अंदर कौन सी चीजें डिमांड कर रही है मार्केट, कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसको इंप्लीमेंट करते रहे। एंड इस तरह रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना एक प्रोडक्ट का, आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो भी मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। ठीक हो गया बच्चा, चलें जी, क्लियर है यहां तक? ओके बेटा जी, कल हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स वगैरह, आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे बच्चा। अच्छा मैडम साहब, बच्चे और भी जित कोई भी बच्चा है, आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बल्कि आप फ्री है कोई कर देना, वो मुझे भेज देगी, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस दे दूंगा, ठीक हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।